नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। रीवा सैनिक स्कूल स्थापना के 60 साल पूरे होने पर सेना के तीनों अंगों के जांबाजों ने रीवा में जमीन और आसमान में हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रीवा सैनिक स्कूल के 60 साल पूरा होने पर सेना के तीनों अंगों ने अद्भुत हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। रीवा की धरती पर जमीन से लेकर आसमान तक में नजर आए हैरत अंगेज करतब के साथ देश के वीर जवान। इस मौके पर रीवा सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल सहित अति विशिष्ट सेवा मेडल वाइस मेल चीफ ऑफ पर्सनल इंडियन नेवी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर देश की सेवा कर रहे पूर्व सैनिक स्कूल के छात्र भारी संख्या में अपने पुराने स्कूल में मौजूद रहे, पुरानी यादें ताज़ा करते नजर आए। इसके लिए उन्होंने मौका खोजा था रीवा सैनिक स्कूल के 60 साल पूरा होने पर आयोजित हीरक जयंती के कार्यक्रम में। इस दौरान माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट से फ्लाई पास्ट का अनोखा नज़ारा रीवा के आसमान पर नजर आया, तो वहीं दूसरी ओर सैनिक स्कूल की जमीन पर कल्यारी पट्टू मार्शल आर्ट गटका सिख मार्शल आर्ट का प्रदर्शन देखकर रीवा के लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। रीवा में ऐसे बहुत कम मौके नजर आए जिस दौरान आकाश में स्काई डाइविंग शो का अनोखा नजारा, तो दूसरी ओर जमीन में टर्नाडो टीम द्वारा मोटरसाइकिल का हैरत में डाल देने वाला अद्भुत प्रदर्शन अपनी एक अलग ही छटा बिखेर रहा था। खास तौर से पैरामोटर एयरक्राफ्ट द्वारा अद्भुत प्रदर्शन, ऐसे प्रदर्शन रीवा के लोगों के लिए यादगार प्रदर्शन थे। वहीं दूसरी ओर नेवल बैंड तो था ही दर्शकों का मन मोहने के लिए। कहा जा सकता है पिछले 60 साल में देश की सरहद की हिफाजत करने के लिए रीवा के सैनिक स्कूल में हजारों की तादाद में वीर सपूत पैदा किए, जो अपना अद्भुत कारनामा दिखाने के लिए अपने पुराने स्कूल में मौजूद थे, जिन्होंने सेना के अलग अलग विभागों में काम करके अपना, अपने परिवार का, अपने सैनिक स्कूल का नाम रोशन किया। उसका एक नज़ारा हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। यह अलग बात है सैनिक स्कूल ने इस दौरान अपने दरवाजे रीवा की जनता के लिए खोल दिए थे, साथ ही रीवा की जनता के साथ वहां के पुराने छात्रों ने अपने सेना के उन जवानों के कर्तव्य देखे जिन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करके एक समा सा बांध दिया था रीवा के सैनिक स्कूल के मैदान में, जहां एक और हवा में एक अलग ही नज़ारा था। हवा में जो कर्तव्य दिखाए जा रहे थे उसको रीवा की जनता ने इसके पहले शायद ही देखा हो। वहीं जमीन पर लगातार अपने ही अंदाज में कभी बैंड, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी अन्य विधाओं के द्वारा एक अलग ही समा बांधा जा रहा था, जिसकी रीवा की जनता ने भरपूर प्रशंसा की। माना जा सकता है इस तरीके का नज़ारा देखने के लिए रीवा की जनता को काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा। पूरे 60 साल बाद रीवा की जनता ने एक अद्भुत नज़ारा देखने के लिए सैनिक स्कूल के अंदर प्रवेश किया। मौका था सैनिक स्कूल के 60 साल पूरा होने पर आयोजित हीरक जयंती के कार्यक्रम में। जिस तरीके से 60 साल पूरा होने पर सैनिक स्कूल के पुराने छात्रों ने नए छात्रों को, स्कूल के छात्रों को अपनी सेना थल नेवी और वायु सेना के अनोखे कर्तव्य, अपने यहाँ के जो भी सेना के काम होते हैं उनको दिखाया, उसको देखकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जनार्दन मिश्रा जी, रिस्पेक्टेड पुष्पराज सिंह जी, कर्नल वशिष्ठा रोल नंबर 2 श्री बंसल सर, लेफ्टिनेंट जनरल के डी परनायक सर, लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत चौहान सर, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह सर, वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, ब्रिगेडियर बी एस गेल द फर्स्ट वी अक्रॉस सैनिक स्कूल रीवा। मैं एयर कमांडर मृगेंद्र सिंह हूं और मेरे क्लास फेलोज हैं
हम लोग 1972 में ज्वाइन किया था हम लोगों ने सैनिक स्कूल रीवा, और 80 में हम लोग पास आउट हो गए थे। और आज बहुत ही अच्छा मौका है जब हमारा पूरे स्कूल के एक्स स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं डायमंड जुबली में, और सैनिक स्कूल रीवा ने, प्रिंसिपल ने और उनके सभी सहयोगी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम लोगों को बड़ा गर्व हो रहा है आज अपने स्कूल में वापस आकर के, और हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं सैनिक स्कूल रीवा को और रीवा शहर वासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।